अभद्र और अश्लील व्यवहार करने वाले प्रोफेसर के खिलाफ महाविद्यालय में तालाबंदी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज परिसर में किया धरना प्रदर्शन। छत्रसाल महाविद्यालय पन्ना में इतिहास के प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव के द्वारा छात्राओं से अभद्र और अश्लील व्यवहार की शिकायतों के बाद कार्रवाई नहीं होने पर 27 जनवरी को अखिल विद्यार्थी परिषद के द्वारा जमकर हंगामा किया गया और प्रिंसिपल के माध्यम से मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर 3 दिवस के अंदर प्रोफेसर विनय श्रीवास्तव को हटाने की मांग की गई। ज्ञापन पर जांच और कार्रवाई नहीं होने से आज 5 फरवरी 2024 को अखिल विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री गोविंद सिंह यादव के नेतृत्व में सैकड़ों छात्राओं ने महाविद्यालय में तालाबंदी कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। घंटों चले हंगामे के बाद तहसीलदार, DI और प्रिंसिपल के द्वारा आश्वासन देने के बाद छात्राओं ने ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग करते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त किया और कहीं कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। 27 तारीख को हमने प्रिंसिपल द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा था कि अगर हमारी 3 दिन में मांगें पूरी नहीं होती तो हम तालाबंदी करेंगे। हमारी मांग पहली ये थी कि विनय श्रीवास्तव द्वारा छात्राओं को अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और मैसेज में हाई स्वीट हार्ट गुड नाइट बेबी लिखा जाता है, तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया था कि विनय श्रीवास्तव का ट्रांसफर हटाया जाए यहाँ से। वो हमारी मांगें पूरी नहीं हुई, इसलिए हमने तालाबंदी की है। हम लोग ये चाहते हैं कि विनय श्रीवास्तव का या तो ट्रांसफर हो, यहाँ से हटाया जाए।